एवरीवन, मैं हूँ वर्षा धानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मम्मीज एंड एंजल्स। जैसे कि आपको पता है, आज वैलेंटाइन डे है, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल। तो आज मैं आपको कोई DIY नहीं बताने वाली हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए, स्मूथ स्किन के लिए। आज मैं आपको एक इंस्टेंट तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी एंड ग्लॉसी भी हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है, अगर आप आज किसी पार्टी में या किसी डेट पर या कहीं भी अपने पार्टनर के साथ जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये इंस्टेंट तरीके से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, ग्लॉसी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप DIYs भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर और भी DIYs की वीडियोस मिल जाएंगी, आप प्लीज़ उस पर जाके देखिए, आपको ज़रूर DIY काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। तो जो इंस्टेंट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी एंड बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो हो जाएगा, सफल हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज वो क्या बताने वाली हूँ, वो है शीट मास्क। जी हाँ, आपको मार्केट में बहुत अलग अलग वैराइटीज़ के, अलग अलग ब्रांड्स के शीट मास्क मिल जाएंगे। जैसे कि ये है एक शीट मास्क के, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। आपको और भी ब्रांड्स के मिल जाएंगे, आजकल तो ऑफर भी चल रहा है इस टाइम पे, बाय फोर एंड गेट फोर, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नायका के ऑर्डर किए हैं। इसमें जो शीट मास्क में होता है वो सीरम होता है। जी हाँ, सीरम जो होता है वो हमारी स्किन पर डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब होता है। उससे क्या होता है, हमारी स्किन इंस्टेंटली ग्रो करती है, इंस्टेंटली हमारा मेकअप जो हम लोग इस शीट मास्क को अप्लाई करते हैं मेकअप, तो वो बहुत अच्छा लगता है एंड वो ठहरा भी रहता है। जैसे कि इस समय मौसम भी है, तो गर्मियों में तो दिक्कत होती है, हमारा मेकअप जो होता है वो मतलब ऐसे पसीने में थोड़ा सा डार्कन सा हो जाता है, बट ये शीट मास्क जो होता है वो इंस्टेंट ग्रो देता है, अगर आपके पास DIYs के लिए टाइम नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नायका से ऑर्डर किया ये शीट मास्क। इसमें टर्मरिक है, कोकोनट है, ये जो हमारी स्किन को रेडिएंट करेगी। ऐसे अलग अलग तरीके के हैं, जैसे ये पर्ल वाला है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारी स्किन को ब्राइटन करेगी। ऐसे ही और भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो आपको मार्केट में भी अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सीरम, कौन से शीट मास्क यूज़ करना है। जैसे ये ग्लोइंग स्किन के, लाइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन के लिए है, इसमें लेमन एंड हनी है। इसमें जो सीरम होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसमें जो लिखा होता है वो इन सीरम में डला हुआ होता है। जैसे कि इसमें लेमन है और हनी का है, और ये टर्मरिक का है एंड कोकोनट ऑयल का है। तो अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के आपको मिल जाएंगे। ये बहुत इजी होता है लगाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर तरीका, जिससे कि आप ये शीट मास्क यूज करके इंस्टेंटली आप अपने स्किन पे ग्लो पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शीट मास्क को लगाना। मैंने ये वाला शीट मास्क ओपन किया है, इसमें पर्ल एंड हाइलोक्लोरोनिक एसिड है, जो कि फर्म एंड ब्राइटन स्किन के लिए, आप अपने स्किन के हिसाब से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी ये वाला ओपन किया है, मैं ये वाला अप्लाई करूंगी। इसको बहुत ईजी है लगाना, इंस्टेंटली 10 to 15 मिनट्स रखना पड़ता है, ज्यादा इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। आप इंस्टेंटली इसको 10-15 मिनट लगा के मेकअप करके, आप अपने डेट नाइट पे कहीं पर भी आपको अपने पार्टनर के साथ जाना है, वो आप जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अप्लाई करना। इसमें आपको एक तरीके से ये गीला एक टिश्यू पेपर मिलेगा, जो कि आप हमारे फेस के साइज का होता है। ये इस तरीके से ये टिश्यू पेपर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें सीरम होता है। आप देख सकते हो जैसे ही मेरा सीरम कैसे निकल रहा है इसमें से। इसको मैं खोलूँगी, इसको धीरे धीरे खोलना है। आराम से खोल लेगा, नहीं तो फिर वो आपका फट जाएगा, जो वो है टिश्यू पेपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा शीट मास्क ओपन हो चुका है। अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। फेस पे लगाने से पहले आप अपना फेस वॉश कर जरूर कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने उसको अपने फेस पे अप्लाई कर दिया। मैं इसको 10 to 15 मिनट्स तक रखे रहूँगी, उसके बाद मैं अपना फेस से ये हटा दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको अपने फेस से हटाऊँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सीरम जो है मेरी स्किन पे आ गया है। अब मैं अपने फेस पे इससे हल्के हाथ से मसाज करूँगी, जब तक ये सीरम मेरा अपने पूरी मेरी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, सफल हो जाती है, काफ़ी शाइनिंग लुक आता है हमारे फेस पे। यानी इंस्टेंट तरीका है
जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं जल्दी में जाना हो आपको। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, शाइनी भी हो गई है। यही सीरम आप अपने नेक पे हाथ घुमा सकते हैं। इस पैकेट में भी काफ़ी ज़्यादा सीरम अभी बचा हुआ है, अगर आपको लगाना है तो आप अपने हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको उसको फोल्ड करके आप फ्रिज में रख दीजिए, देन नेक्स्ट डे आपको जब भी यूज़ करना हो वो आप यूज़ कर लीजिए, अपने फेस पे ही दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन से पूरा जो सीरम है वो पूरा मेरी स्किन ने एब्जॉर्ब कर दिया है। अब मेरा स्किन देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, कितना ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है। अब आप इसके ऊपर अपना मेकअप कर सकते हैं, मेकअप भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपका एंड टिका भी रहेगा काफ़ी हद तक। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। सो ये था आज का तरीका अपनी स्किन ग्लोइंग बनाने का, अपनी स्किन को एक इंस्टेंटली ग्लोइंग बनाने का, स्मूथ बनाने का। आई होप मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू।